हम इस समय मौजूद हैं कैमोर पर्वत श्रृंखला के छुईया पहाड़ पर, जहां पिछले दिनों एक बस नहर में डूबने से 54 लोगों की मौत हो गई थी। जी हां, 54 लोगों की मौत हो गई थी इसी नहर में जहां पर मैं मौजूद हूं। ये कल ही शाम को पानी फिर से छोड़ा गया, 30 फीट गहरी है यहाँ पर, इस जगह पर 30 फीट गहरा पानी। पानी की हिलोरें आपको साफ तौर से बता रही होंगी कि पानी यहाँ पर कितना है। यहाँ पर कुछ बॉडियाँ भी मिली थी और आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, दूर एक नहर जहाँ पर से पहाड़ के अंदर से लगभग 4.5 किलोमीटर टनल है, 4.5 किलोमीटर टनल में 1 से 2 बॉडी निकाली गई थी जो बह के वहाँ तक चली गई थी। आज मैं आपको इसी कैमोर पर्वत श्रृंखला पर लेकर चलूँगा, जहाँ पर पूरा दिखाऊँगा किस तरीके की सड़क है। सड़क अगर बंद ना होती तो क्या ये हादसा होता, मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगा। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ बगवार और वहाँ से अपना सफ़र प्रारंभ करूँगा। नहर से निकल कर मैं आ गया हूँ छुईया पहाड़ पर। जी हाँ, ये छुईया पहाड़ का आगाज़ होता है, यहीं से छुईया पहाड़ प्रारंभ होता है। मैं आपको पहाड़ के ऊपर भी ले चलूँगा और वो जगह भी दिखाऊँगा जहाँ पर उस दिन जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से 54 मौतें हुई हैं। हम मौजूद हैं छुईया के बीचों बीच। जी हाँ, यहाँ का नज़ारा काफ़ी दिलचस्प है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे जिस तरीके का नज़ारा है। मुख्यमंत्री की मुझे वो लाइनें याद आ रही हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर। मैं क्या बोलूं, सड़कें बेहतर हैं या नहीं हैं, पिछले दिनों जो 54 लोगों की मौत हुई इसी सड़क की वजह से हुई, यहीं पर जाम लगा था। जाम लगने की वजह से सड़क में बस ने अपना रास्ता बदला था, रास्ता बदलने का परिणाम था नहर में पूरी की पूरी बस समा जाना, 54 लोगों की मौत। जिस तरीके से धूल का गुबार आप देख रहे होंगे सड़क पे देख रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अगर पैर रखा जाए तो किस तरीके से जब पैर धंस रहा है तो बड़ी गाड़ियों की बात। ये देखिए मेरे सामने एक गाड़ी जा रही, किस तरीके से लोग परेशान हैं, किस तरीके से अपना सफ़र यहाँ तय कर रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर खुद ही देख पा रहे होंगे। मैं अपने शब्दों से बयां करूँ उससे ज़्यादा बेहतर होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी निकल रही हैं, ड्राइवर जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को निकाल रहे हैं। आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हालात हैं। इन हालातों पर सड़कों का इस तरीके से ख़राब होना, जब सड़कें पूरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं तो शासन को याद आती है सड़क बनवाने की। ऐसा कुछ इस बार भी हो रहा है, जब यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ उस हादसे के बाद सड़कों को मुख्यमंत्री अनन फनन में सीधी आए, सीधी आने के बाद उन्होंने सड़कों को बनाने का निर्णय लिया। अब देखना है, हालांकि दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से काफिला आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आज, ये काफिला कल यहाँ से बंद हो जाएगा, उसके बाद सड़क बनाई जाएगी। लेकिन हर हादसे के बाद कुछ इसी तरीके की बातें होती हैं। अब देखना है क्या वाकई में कल से सड़क बनेगी या ये फिर बात हमेशा की तरह हवा हवाई हो जाएगी। जिस सड़क से अभी हम निकल कर आए हैं या मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आपके टीवी, जो नज़ारा आप इस समय देख पा रहे हैं ये सीधी जिले का है। जी हाँ, सीधी जिले का, जहां पर पिछले दिनों 54 मौतें हुई थी बस के नहर पर डूब जाने से। वजह केवल और केवल यही थी, ये सड़क, इस सड़क पर जाम लगा हुआ था, हफ्तों से जाम था, जाम खुल नहीं पाया था, मजबूरी में बच्चों के परीक्षा सतना में थी, उसकी वजह से ड्राइवर ने रास्ता बदला था। रास्ता बदलने का परिणाम ये हुआ 54 जिंदगियां कम नहीं होती। अपने आप में कहा जा सकता है सीधी जिले का आज तक का सबसे बड़ा हादसा इसी वजह से हो गया, इसी सड़क की वजह से हो गया। जिस सड़क का काफिला, जिस सड़क से अभी हम निकल कर आए, हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया किस तरीके की सड़क है, अब आप खुद सोचिए
मुख्यमंत्री का वो दावा मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, अमेरिका से बेहतर सड़कें मध्य प्रदेश में, अगर अमेरिका से बेहतर सड़कें मध्य प्रदेश में ना हो तो शायद यहाँ पर ना हो। ये ट्रैफिक है, जिस तरीके से लगातार इस सड़क पर आवागमन प्रारंभ है, सड़क खराब थी, सड़क खराब होने की वजह से किसी ने सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया। समय रहते अगर सड़क पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, छुईया घाटी के वो मोड़ जी हाँ, 32 से 35 मोड़ इसी तरीके के हैं जिस तरीके के कुछ मोड़ मैंने आपको दिखाए। 32 से 35 मोड़ हैं जहां पर लगातार सड़कें खराब हैं और सड़कें बनाने की बात प्रशासन ने कही है, मुख्यमंत्री ने कहा था तत्काल सड़कें बनाई जाएं। अब देखना ये सड़कों का काम कब से प्रारंभ होगा। हमने अपने सफ़र का आगाज किया था कैमोर की छुईया घाटी से, उस जगह से जहाँ से टनल 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके टीकर में निकलती है, यहीं पास में ही वो नहर निकलती है। मैं फ़िलहाल गोविंदगढ़ में हूँ, जी हाँ, सफ़ेद शेरों की नगरी कही जाती है गोविंदगढ़। यहाँ पर आके कैमोर पर्वत की श्रृंखला ख़त्म होती है। मैंने आपको वो 35 मोड़ दिखाए जिन मोड़ों की वजह से, या यूँ कहा जाए वहाँ पर लगने वाले जाम की वजह से 54 जिंदगियों ने अंतिम सफ़र अपना तय किया। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इस हादसे के बारे में बात नहीं की जा सकती, उस हादसे को शायद ही कोई भुला पाएगा जिसने भी उस हादसे को देखा। फिलहाल हमने आपको वो सफ़र दिखाया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ये खराब सड़कें जो गवाही इस बात की दे रही हैं कि ये खराब सड़कें अगर दुरुस्त होती, सरकार ने समय रहते अगर उन सड़कों को सुधार दिया होता तो बस को अपना रूट नहीं बदलना पड़ता, और अगर बस अपना रूट नहीं बदलती तो शायद ये हादसा नहीं होता। फिलहाल न्यूज़ नेटवर्क के लिए इतना ही। अब दीजिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई खबर के साथ।